अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो ठीक है शक्ति, पर कुछ देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। अबे ओ पिद्धि, सीनियर्स के साथ पंगा लेते हैं। अब तुझे बताता हूँ सीनियर होने का क्या मतलब होता है। एक मिनट, पिद्धि के स्कूल में हम भी सीनियर हैं। सीनियर होने का मतलब समझाएं? इसने हमारे फ्रेंड को मारा है पत्थर से, उधर उसका खून भी निकल रहा है। बेटा, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? आपने किसी बच्चे को मारा? हाँ मारा, और मारूंगा, बहुत मारूंगा। देखा, कहा था ना, एक नंबर का गुंडा है ये कार्तिक। फिर किसी को मारा? आज तो तुम्हें प्रिंसिपल मैम ही देखेंगी। कम विद मी। वेरी गुड बॉय। अच्छा शिव, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि शक्ति एक माँ की जिम्मेदारी निभा पाएगी? वो तो खुद ही बच्ची है अभी। बच्ची नहीं है वो, पूरी दादी माँ है। आपने देखा नहीं था चाची, उस दिन जब घाट पर वो बच्चा अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था ना, तो कैसे शक्ति ने उसमें जान डाल दी थी, उसकी जान बचाई थी। और ऐसी जान सिर्फ एक माँ ही बचा सकती है। जब भी मुझे अटैक आता है ना, आपने नहीं देखा है कि वो कैसे मेरा ख्याल रखती है, कितना ध्यान रखती है मेरा। शांत डॉक्टर शिव। और जब रिमझिम और रंजन की शादी होने वाली थी ना, तब उसने खुद को दांव पे लगा दिया था उस शादी को रोकने के लिए। ऐसा बलिदान सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। एक माँ में जो सारी क्वालिटीज होती है ना, वो सारी शक्ति में, बलिदान, सेल्फलेसनेस और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ममता। कूट कूट कर भरी है उसमें। सोचिए, जो दूसरों के लिए इतना कुछ कर लेती है, वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। कार्तिक अब उसका अपना ही बच्चा तो है। इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं चाची, भरोसा है शक्ति पर और उसकी सुपर पावर्स पर। और उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका प्यार। जिन्हें वो प्यार करती है ना, उनकी आंखें पढ़ लेती है, बिना बोले उनका दर्द समझ लेती है, और वो दर्द अपने ऊपर ले लेती है। और फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे अलग नहीं कर पाते।
खुद तकलीफ सह सकती है, पर जिनसे वो प्यार करती है उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। जिनसे प्यार करती है अगर उन पर इतनी सी भी आंच आ जाए ना, तो उन्हें बचाने के लिए चंडी का रूप ले लेती है, क्योंकि उसका नाम ही शक्ति है। कैसे भी इस पे हाथ उठाने की, मैं मां आप इसे नहीं जानती। ऐसे बच्चों को ठीक करने का यही सही तरीका होता है। किसके बारे में बात कर रही हैं? एक बच्चे के बारे में या फिर एक क्रिमिनल जिसको ठीक करने की जरूरत है? बच्चा कैसा भी हो, उससे बात करने का, उसे समझाने का सिर्फ एक तरीका होता है, प्यार से। मारने पीटने का हक किसने दिया आपको? आपको पता नहीं ये कानूनी जुर्म है? ये कानून के खिलाफ है। पुलिस को बुलाएं, हम मीडिया को बुलाएं, बखेड़ा खड़ा करें यहाँ पे। अच्छा, पुलिस को तो हम बुलाएंगे। एक तो आप बिना परमिशन के स्कूल के अंदर एंटर कर गई, और अब मैं मैडम को धमका रही हैं। बुलाइए पुलिस को। हम तो यहाँ ये तहकीकात करने आए थे कि बच्चों के साथ यहाँ कैसा सुलूक किया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है हॉस्टल में। लेकिन यहाँ आने के बाद ना, हमने सब देख लिया अपनी आंखों से, सारा सबूत है हमारे पास। पुलिस बुलाना चाहता है ना, बुलाइए पुलिस को। आप टीचर है ना, टीचर का मतलब जानती हैं आप? गुरु वो जो माँ बाप के ऊपर होता है, साई यानी कि भगवान के ऊपर। और आप यहाँ भगवान का कोई काम नहीं कर रही है, शैतान का काम कर रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।